दुर्ग पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ जीवो खुलकर कार्यक्रम का लगातार आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आम जनता को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जाता है। दुर्ग नगर निगम के वार्ड क्रमांक 7 में गुरुवार को जीवो खुलकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नशे के दुष्प्रभाव लेकर प्रदर्शनी लगाई गई एवं दुर्ग पुलिस के द्वारा आम जनता एवं युवाओं को इसके दुष्प्रभाव के बारे में बताया। इस बारे में जानकारी देते हुए दुर्ग CSP एवं नगर निगम के पदाधिकारियों ने पूरा टाइम को कुछ इस तरह से जानकारी दी। दुर्ग पुलिस के द्वारा वर्ष 2019 से नशे के खिलाफ जियो खुलकर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में कल से हमारे पाटन क्षेत्र से एक विशेष पखवाड़े की शुरू हुई है इस अभियान के तहत, जिसमें हम 15 दिन तक लगातार दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जो नशे के जहाँ पर प्रकोप सर्वाधिक है वहाँ जाकर नशा उन्मूलन और नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसी के तहत आज इस विशेष पखवाड़े के दूसरे दिन आज शिक्षक नगर दुर्ग में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को नशा क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, नशे से होने वाले दुष्प्रभाव क्या हैं, कौन कौन से प्रकार के नशे होते हैं और उसमें क्या प्रभाव पड़ता है और नशे को छोड़कर लोग कैसे समाज की मुख्य धारा में आ सकते हैं, उसके संदर्भ में एक प्रदर्शनी के माध्यम से ये सब जगह अभी जाकर बताया जा रहा है। जियो खुलकर अभियान के तहत शुरू से ही एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है, जिसमें कि कोई भी उक्त नंबर 7879343606 पर कॉल करके नशे के कारोबार के संबंध में गोपनीय रूप से सूचना दे सकता है, जिसमें उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और दुर्ग पुलिस तत्काल उक्त सूचना प्राप्त होने पर कार्रवाई करेगी। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जियो खुलकर नशा मुक्ति अभियान दुर्ग पुलिस की तरह चलाया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक माननीय प्रशांत सिंह ठाकुर के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखते देखते बच्चे और बूढ़े सब नशे की चपेट में, जिस तरीके से नई पीढ़ियां आ रही हैं उसको रोकने के लिए, उनको समझबूझ से फैसले लेने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। इस कार्यक्रम में लगभग 150 स्क्वायर फीट के फ्लैग्स लगाए गए हैं। नशा किस तरीके से हमारे जीवन को बर्बाद करता है, सामाजिक आर्थिक रूप से किस तरीके से हमको हानियाँ पहुँचाता है और आने वाले संकट को बच्चों को जागरूक बनाए रखने के लिए इस अभियान का चलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे अभियान अक्सर हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में चलने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नशे से बचें और चीज़ों का पालन किया जाए। नशा मुक्ति का आयोजन है तो मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी माता पिता, आजकल देखा जा रहा है कि महिलाएं भी नशे में भागीदारी ज़्यादा बढ़ा रही हैं अपनी, तो जो भी माता पिता अपने बच्चों को इस चीज़ से दूर रखना चाहते हैं वह घर में नशे से दूर रहें, आने वाली पीढ़ी को समझाएँ कि नशे ने केवल बर्बादी लाई है, चाहे वो किसी भी युग की बात हो। तो यही कोशिश करें कि अपने बच्चों को अपने बड़ों से सीख लेनी चाहिए कि ऐसे चीज़ें ना की जाएं तो ज़्यादा बेहतर है करके। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है, युवाओं को सोच देने वाली प्रतिक्रिया है और दुर्ग पुलिस द्वारा जो सराहनीय कार्य किया जा रहा है ये पूरे हर वार्डों में और पूरे शहरों में किया जाना चाहिए, इससे युवाओं को जागृत करने में सफल कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के मंच से ये संदेश देना चाहता हूँ कि नशा नाश की जड़ है, इससे दूर रहें, इससे परिवार भी बिखरता है, समाज में उनकी सहभागिता भी अच्छी नहीं रहती, इसलिए नशे से दूर रहना चाहिए।